हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर शमला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, और ये इसका 7th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूँ कि आपके सारे प्रीवियस पार्ट्स जो है इस चैप्टर के आपको मुझे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। राइट, बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको सारे आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एनी क्लास 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक किसी भी बोर्ड के बायोलॉजी के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशंस ले सकते हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं चाहिए तो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज या तो फिर आवर वाइज डाउट सॉल्विंग, ओके, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स आर अवेलेबल। जो स्टूडेंट्स नीट क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो रिपीट कर रहे हैं जिनको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आई गारंटी यू कि आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। करेक्ट है। अनदर थिंग इज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है एंड तक, क्योंकि मैंने हर एक लाइन को हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, सो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज देख लिया है, नाउ वी गो अहेड एंड वी लुक एट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज या जिसको हम कहते हैं कंट्राइवेंसेज। ओके, ये वर्ड बार बार आता है, कंट्राइवेंस का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एक प्लांट में या एक एनिमल में, ओके, जो एक स्पेसिफिक रिजल्ट को अंजाम देगा। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि किसी प्लांट को ओनली वाटर से पॉलिनेट होना है, वो हाइड्रोफिलस प्लांट है, तो उसके अंदर कुछ अडेप्टेशन ऐसे होंगे जिससे ओनली पानी के द्वारा पॉलिन ग्रेन्स को मूव किया जा सके, तो उसको हम कहेंगे कंट्राइवेंस फॉर हाइड्रोफिली। मान लीजिए कि एक फ्लावर ऐसा है जिसको ओनली सेल्फ पॉलिनेशन करना है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो हमने पहले देखा है, जैसे कॉमेलिना है ना, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड राइट क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स, आप दो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देख चुके हैं। तो क्लाइस्टोगैमी जो है वो क्या है, वो कंट्राइवेंस है सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो अभी हम कुछ ऐसे कंट्राइवेंसेस देखेंगे जो आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए काम में आते हैं। प्लीज एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर में है ना आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है ये फेवर्ड रहेगा। नेचर चाहता है कि दो अलग अलग टाइप के गैमिट्स मिक्स होके फिर ही नया जनरेशन आए। क्यों? क्योंकि अगर सेम पेरेंट्स का बार बार वही जीन्स अगर कलेक्ट होते रहेंगे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, और अगर वेरिएशन नहीं आएगा और अगर आपका नेचुरल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो एक टाइम के बाद वो पर्टिकुलर स्पीशीज प्लांट या एनिमल की खत्म हो जाएगी क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाया। करेक्ट है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ ऐसे कंट्राइवेंसेज हैं जो प्लांट्स में हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ना हो, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में ऐसे मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं सो दैट एक्स्ट्रा क्रॉस पॉलिनेशन ही सिर्फ हो, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बढ़े। करेक्ट है। तो ये रीजंस हैं Why do you need to have outbreeding devices? Correct? तो ये reasons हैं, ठीक है? अब ये सब चीजें करने के लिए बहुत सारे अलग अलग strategies हैं, जिससे plant की self pollinating capacity जो है वो रुक जाए या वो ना हो। Correct? Genetic diversity इतनी क्यों important है? क्योंकि genetic diversity से होता है evolution। इस चीज को mind में रखिए, it's very important। कहीं पर भी आप देखिए, Why do you need to have sexual reproduction? क्योंकि meiosis होता है, गैमेट बनता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। व्हाई डू यू नीड टू हैव क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन? क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस के गैमेट्स मिक्स होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होता है और एवोल्यूशन का मटेरियल तैयार होता है। करेक्ट। एवोल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, कंटिन्यूअसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, जो नेगेटिव जीन्स हैं एक पर्टिकुलर प्लांट में, पर्टिकुलर एनिमल में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर हम ओनली सेल्फ पॉलिनेट करते रहेंगे तो जो नेगेटिव जीन्स हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी, और 15, 20, 30, 40 जनरेशन के बाद प्लांट वीक होना शुरू हो जाएगा।
उसके अंदर फिर वो वाली विगर, ओके, वो हेल्थ, वो स्ट्रेंथ, वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो ओरिजिनल 50 जनरेशन पहले की प्लांट में थी, करेक्ट है? तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये प्लांट के सिस्टम को बिगाड़ देता है और इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये टर्म को आपको याद रखना है, करेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नॉट ओनली प्लांट्स में होती है स्टूडेंट्स, एनिमल्स में भी होती है। अगर आप एक ही सिस्टम को बार बार इनब्रीडिंग करते रहे, करेक्ट है, या अगर ह्यूमन बींग्स में भी देखिए, अगर हम हमारे फैमिलीज में शादियां करते हैं, क्यों बहुत सारे कल्चर्स में फैमिली के अंदर शादी मना की जाती है कजिन्स वगैरह के साथ में, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो नेगेटिव जीन्स हैं वो जीन्स अक्यूमुलेट होती रहती है। और आप देखेंगे कि ऐसे जानवरों में जहाँ पे इनब्रीडिंग कंटिन्यूसली होती है उनमें है ना बीमारियां बहुत रहती है, डिजीजेस रहती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, करेक्ट है? ओके, देयरफॉर प्लांट्स ने क्या किया है, अलग अलग डिवाइसेस बनाए हैं सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज हो, करेक्ट? एग्जाम्पल्स हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के, अभी हम इनको कर लेते हैं। सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं, ओके, एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस, और वो है यूनिसेक्सुअलिटी, करेक्ट है? यूनिसेक्सुअलिटी जिसको हम डायोसिज्म भी कहते हैं, मतलब क्या, प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर को अलग अलग कर दीजिए, सिंपल है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ओके? यू कैन नॉट हैव ट्रू ऑटोगैमी, हाँ गिटेनोगैमी कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो एक तरीके का फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस वेरी सिंपल, प्लांट के अंदर फ्लावर्स को मेल एंड फीमेल को सेपरेट कर दीजिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायोशियस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली ओके, आपका सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली वर्जित हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कभी कभी प्लांट्स मोनोशियस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेज, या डायोशियस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मलबेरी एंड पपाया। कंप्लीट डायोशियस रहेंगे तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही सिर्फ होता है, करेक्ट? सो इट्स वेरी इजी, अगेन एग्जाम्पल्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, करेक्ट? फिर आते हैं हम सेकेंड डिवाइस पे, सेकेंड डिवाइस इज कॉल्ड डाइकोगेमी, ओके? अब इसमें क्या होता है, एंथर जो मेल पार्ट है और स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है, ये अलग अलग टाइम पे अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को रीच करते हैं। सो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन दोनों की मैच्योरिटी होती है अलग अलग टाइम पे। तो जब एंथर मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन जब अगर स्टिग्मा पे गिरेगा तो भी स्टिग्मा इज इमैच्योर, तो पॉलिनेशन सेल्फ नहीं हो सकती, करेक्ट है? तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। अब आप डाइकोगेमी को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रोटैंड्री, करेक्ट है? प्रोटैंड्री जो है इसमें प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, तो इसमें क्या होता है, एंड्रोशियम ओके गाइनेशियम से पहले मैच्योर होता है, मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन पहले मैच्योर होगा, करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट्स में हम देखते हैं, बराबर है? सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो है प्रोटोगाइनी, अगेन प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब गाइनेशियम, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली गाइनेशियम पहले मैच्योर होगा, एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होगा, राइट? तो देयरफॉर जब गाइनेशियम मैच्योर है तो उसके सेल्फ पोलन ग्रेन्स के साथ में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता, पोलन ग्रेन को बाहर से ही आना पड़ेगा, एंड देयरफॉर ओके क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोरियोसा, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, करेक्ट है? फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्राइवेंस पे, जिसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम स्पेसिफिक कंट्राइवेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, हाँ वो नहीं भूलना है। अब प्रीपोटेंसी क्या है, ओके? अगेन ये एक तरीके का यू कैन से यू नो प्रोटोगाइनी जैसा है, प्रोटोएंड्री जैसा है, कि दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन पहले जर्मिनेट होता है, ओके, और सेल्फ पोलन ग्रेन बाद में जर्मिनेट होता है। अब ये बड़ा ही स्ट्रेंज चीज है, फॉर एग्जांपल क्या है, करेक्ट है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल प्लांट पार्ट्स दोनों है, करेक्ट,
अब उस फ्लावर का पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, स्टिग्मा पे गिरता है, फाइन, वेरी गुड। लेकिन अब क्या होता है, स्टिग्मा वेट करता है, क्योंकि ये खुद का ही पोलन ग्रेन है, उसको वो जल्दी जर्मिनेट होने नहीं देता। वो वेट करता है कि फॉरेन कोई पोलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे गिरे। जब वो पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो फॉरेन पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन को ज्यादा फास्ट करवाएगा, खुद के पोलन ग्रेन के पोलिनेशन को वो रोकेगा, जर्मिनेशन को वो रोकेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, अभी आपको ये अंडरस्टैंड जरूर करना है कि ये फॉरेन पोलन ग्रेन भी सेम स्पीशीज का है, तो एप्पल का ही फ्लावर होगा। हाँ, कोई पेयर का फ्लावर या स्ट्रॉबेरी का फ्लावर नहीं है, मतलब फॉरेन पोलन ग्रेन नहीं, बट इट हैज टू बी अ डिफरेंट प्लांट। तो अगर दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन इस एप्पल के फ्लावर पे गिर रहा है, तो वो एप्पल का फ्लावर उस पोलन ग्रेन को ज्यादा फास्ट जर्मिनेट करने के लिए मदद करेगा, और उसके खुद के पोलन ग्रेन को वो स्टॉप करेगा या रिटार्ड करेगा। ऑलराइट, अगर बिल्कुल कोई और ऑप्शन रहेगा ही नहीं तो ही सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वरना ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, करेक्ट है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? फिर आता है नेक्स्ट कंट्राइवेंस, जिसको हम कहते हैं हेट्रोस्टेली या हेट्रोमॉर्फी। ओके, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिम्यूला, जिसको हम प्रिमरोज बोलते हैं, इसमें है ना एक ही पर्टिकुलर प्लांट पे दो तीन अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। अब ये फ्लावर्स में क्या अंतर रहता है ना, स्टिग्मा और एंथर, मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग लेवल पे रहते हैं, कभी स्टिग्मा ऊपर एंथर नीचे, कभी एंथर ऊपर स्टिग्मा नीचे। ओके, सो ऐसे अलग अलग लेवल पे प्लेसमेंट होगी, एक ही प्लांट पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होंगे। ओके, कुछ में दोनों एक ही लेवल पे होंगे, कुछ में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे, है ना? इसको हम कहते हैं हेट्रोस्टिली या हेटरोएंथी, करेक्ट? हेटरोस्टाइली या हेट्रोस्टिली मतलब क्या, स्टाइल जो है फीमेल पार्ट में, जो स्टाइल है उसका लेंथ कम ज्यादा होना। तो अगर लॉन्ग स्टाइल है तो स्टिग्मा एंथर के ऊपर चला जाएगा, अगर शॉर्ट स्टाइल है तो स्टिग्मा एंथर के नीचे चला जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, है ना? स्टाइल स्टिग्मा ओवरी को जरा इमेजिन कीजिए, अब स्टाइल के लेंथ को बिल्कुल लंबा कर दीजिए, तो स्टिग्मा ऊपर चला गया ना, एंथर के ऊपर, तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट है? सिमिलरली अगर मैंने स्टाइल को बिल्कुल पचका के छोटा कर दिया तो स्टिग्मा आ गया नीचे, ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। नाउ इन सम केसेस एंथर का जो फिलामेंट है उसका साइज वेरी करता है, तो फिलामेंट हो गया बहुत लंबा या फिलामेंट हो गया बहुत शॉर्ट। अगर फिलामेंट लंबा है तो ऑब्वियसली वो स्टिग्मा के ऊपर हाइट में हो जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर एंथर का जो फिलामेंट है वो शॉर्ट हो गया, है ना, तो पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के नीचे गिरेंगे, विच मीन्स वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? सो दो अलग अलग तरीके के मतलब कंट्राइवेंसेस हो सकते हैं, या तो स्टाइल की लेंथ को वेरी कर दिया जाए, या तो एंथर के फिलामेंट के लेंथ को वेरी कर दिया जाए। और याद रखिए, एक ही प्लांट में ना अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होंगे। यू माइट हैव फ्लावर्स विथ हेट्रोस्टाइली, हेट्रोएंथी, एज वेल एज हैविंग बोथ एट द सेम लेवल, दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो तीन चार पांच अलग तरीके के फ्लावर्स, है ना, एक ही प्लांट में हो सकते हैं। सो दैट जितने पॉसिबल वेराइटीज ऑफ पॉलिनेशन है सारे हो जाए, है ना? अब हेट्रोस्टेली और हेट्रोएंथी क्या होता है, पोलन ग्रेन को खुद के स्टिग्मा तक पहुंचने में वो रोकता है और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं होता। हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में, ऐसे फ्लावर्स को हम हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है? पोलन ग्रेन्स अगर प्रोड्यूस होते हैं एंथर में और अगर वो पॉलिनेट करते हैं खुद के स्टिग्मा पे, तो वो सिर्फ उन फ्लावर्स में करेंगे जहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही लेवल पे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि एक ही प्लांट में कुछ फ्लावर्स में दोनों एक लेवल पे, कुछ फ्लावर्स में एंथर ऊपर स्टिग्मा नीचे, कुछ फ्लावर्स में स्टिग्मा ऊपर एंथर नीचे, करेक्ट है? अंडरस्टूड? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, बहुत ज्यादा बोलना पड़ा मुझे, राइट? बट आई होप आपने बात समझ ली है, ठीक है? अब आते हैं हम हर्कोगैमी पे। हर्कोगैमी एक मैकेनिकल डिवाइस है, फिजिकली किसी चीज को रोकना, करेक्ट है? तो मैकेनिकल मतलब फिजिकल डिवाइस है, जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन रोक दिया जाता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में, मतलब फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है,
लेकिन क्या करते हैं, एक नेचुरल फिजिकल लेयर या एक टिश्यू बना दी जाती है मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बीच में, जैसे आपने पर्दा डाल दिया हो एंथर और स्टिग्मा के बीच में। तो क्या होगा, अगर पोलन ग्रेन गिरेगा तो उस पर्दे पे या उस फिजिकल बैरियर पे गिरेगा, इट विल नॉट फॉल ऑन द स्टिग्मा। सो कॉन्टैक्ट अवॉइड हो जाता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के साथ, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको हम रोक देते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ठीक है, पेंटेंगुलर स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है ये पेंटागन जैसे बना हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बट ब्यूटीफुल है दिखने में। पेंटागन है ना, पांच फिगर का आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में, बिल्कुल वैसे स्टिग्मा दिखती है और वो एंथर के ऊपर रहता है एंड प्लस एक छोटा सा लेयर रहता है बीच में विच इज कॉल्ड द हर्कोगैमस लेयर, करेक्ट। और उसके वजह से पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, करेक्ट है। ओके, सो ये तो ईजी था। अब देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक एक्सट्रीम कंट्राइवेंस है, ओके, बहुत ही टाइट सिस्टम है। इस कंट्राइवेंस का कोई आइदर और सिचुएशन नहीं है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल होगा ही नहीं, 100% बैरियर है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ओके। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि पोलन ग्रेन अपने खुद के स्टिग्मा पे जरूर गिरता है लेकिन वो पॉलिनेट कभी हो ही नहीं पाएगा, उसकी पॉलिनेशन इनहिबिट होती है, स्टिग्मा उसको मार देता है, ओके। वो अपने खुद के पोलन ग्रेन को पोलिनेट या जर्मिनेट होने नहीं देगा एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ पोलन ग्रेन स्टेराइल होता है, ओके, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम कंट्राइवेंस है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, करेक्ट। इट इज नॉट अ फिजिकल और अ केमिकल मैकेनिज्म, इट्स जेनेटिक। अंदर से जीन्स प्रोग्राम्ड है कि जैसे ही वो सेल्फ के पोलन ग्रेन को मतलब डिटेक्ट करते हैं तो वो उसके जर्मिनेशन को कम्प्लीटली खत्म ही कर देते हैं, करेक्ट है। और इसका एग्जाम्पल है टबैको या थेया, करेक्ट है। ऑलराइट, अब आते हैं आगे के सिस्टम पे, ओके, विच इज कॉल्ड द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन वो इंटरैक्शन है जो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ में होता है। स्टिग्मा के टिश्यू को स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहा जाता है, राइट। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन शुरू होता है पॉलिनेशन से, मतलब पोलन ग्रेन उड़ते हुए स्टिग्मा पे आके बैठ जाना, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। तो पॉलिनेशन से शुरू हो करके फर्टिलाइजेशन तक के जितने इवेंट्स हैं इनको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पिस्टल मतलब स्टिग्मा। अब सारे इवेंट्स डिपोजिशन से लेके पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब के एंट्री तक के पूरे प्रोसेस को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। अब पॉलिनेशन हो गया, इसका ये गारंटी नहीं है कि राइट तरीके का पोलन ग्रेन आया है, कभी कभी रॉन्ग पोलन ग्रेन भी आ सकता है ना, हो सकता है, इट कैन हैपन। कोई भी एजेंट ऐसे तो नहीं है कि स्पेसिफिक पोलन ग्रेन उठाकर ओके दूसरे फ्लावर में प्लेस कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये है तो रैंडम प्रोसेस है, करेक्ट। सो कभी कभी गलत जो पोलन ग्रेन है वो भी स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है, तो दैट मीन्स स्टिग्मा या पिस्टल के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिकग्नाइज करे, पहचाने कि ये सही पोलन है या नहीं। अगर इसका जर्मिनेशन होता है तो सही मेल गैमेट अंदर जाएगा या आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगा, करेक्ट है। उसकी एबिलिटी होनी चाहिए रिकग्निशन करने की, एक्सेप्ट करने की सही या कंपैटिबल पोलन ग्रेन को, और मेनली ओके पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज की होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस स्पीशीज में बहुत कम होता है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियली कर सकते हैं। सो देयरफॉर आपके पिस्टल में यूनिक कैपेसिटी है पोलन ग्रेन को पहचानने की, और अगर उसने पोलन ग्रेन को पहचान लिया कि ये मेरे वाले स्पीशीज का तो नहीं है तो उस पोलन ग्रेन को वो डिस्कार्ड कर देता है या मार देता है, करेक्ट है। कंपैटिबिलिटी यानी कि जो सही पोलन है, और इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि जो गलत पोलन है, ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, स्पेशल प्रोटीन्स के द्वारा, ओके। इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन को रिकग्नाइज किया जाता है ओके बाय द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, और अगर वो अच्छा वाला पॉजिटिव पोलन निकला तो उसको प्रमोट किया जाता है और जर्मिनेशन होगा, अगर वो नहीं सही है तो उसको इनहिबिट किया जाएगा या उसको स्टॉप किया जाएगा, करेक्ट है। स्टिग्मा जो है फ्लावर का वो गलत तरीके को या इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन को स्टॉप करेगा, करेक्ट है। एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, अंदर की मैकेनिज्म है जो इस तरीके से फंक्शन करती है सो दैट
ओनली सही ढंग का जो पोलन ग्रेन है ओके सिर्फ वो जर्मिनेट हो सकता है। अब जैसे ही रिकग्नाइज हो गया कि भाई ये पोलन ग्रेन तो परफेक्ट है, प्रॉपर स्पीशीज है, सब सही है, तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो है उसको रहने दिया जाता है स्टिग्मा पे। धीरे धीरे ये कंपैटिबल पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के सरफेस से पानी को अब्सॉर्ब करेगा, अपने अंदर लेगा, फूलता चला जाएगा, पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब करेगा स्टिग्मा के सरफेस से, फूलेगा फूलेगा फूलेगा, और फिर उस पोलन ग्रेन के छोटे छोटे पोर ट्यूब्स में से, पोर्स में से ओके ट्यूब्स निकलने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब, ट्यूब ग्रो करेगा, लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, स्टिग्मा से पेनिट्रेट करके स्टाइल के थ्रू जा करके ओके स्पेसिफिक केमिकल्स जो है उनको फॉलो करेगा केमिकल्स के थ्रू ओके। उस पोलन ट्यूब को समझ में आता है कि मुझे किस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाना है, वो अट्रैक्ट होता है फीमेल गैमेट की तरफ ओके। आपके स्टिग्मा का जो सरफेस है प्लांट का, वो क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है, करेक्ट है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जर्मिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए सारी चीजें स्टिग्मा प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये थिंग्स पोलन ग्रेन में एब्सेंट है, करेक्ट है। फाइनली पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल के थ्रू एंटर होता है, एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट करता है, जो टिप होती है पोलन ग्रेन की ओके या पोलन ट्यूब की, वो एक पर्टिकुलर सिनर्जिड के अंदर एंटर होता है, उसको वो ब्रेक करता है और अपने कंटेंट्स को रिलीज करता है, करेक्ट है। अब एक चीज आपको समझना है कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में राइट एक साथ में कई सारे सही ढंग के पोलन ग्रेन्स एक स्टिग्मा पे आकर बैठ सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ओके। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स एक साथ में एक फ्लावर में एंटर होते हैं, मतलब एक स्टिग्मा में मेरे पास 5, 10, 15, 20 सही पोलन ग्रेन्स हो सकता है कि आ जाए, करेक्ट है, और सारे पोलन प्रॉपर हैं, तो हो सकता है कि सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाए, तो आप क्या होगा, होगा कॉम्पिटिशन, करेक्ट है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के वक्त अगर 10 या 15 अलग अलग पोलन ग्रेन्स के पोलन ट्यूब्स मैच्योर होके जर्मिनेट हो रहे हैं, तो वो लिटरली एक रेस लगाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, और जो सबसे पहले पहुंच गया, जिसने सबसे पहले एम्ब्रियो सैक के थ्रू पेनिट्रेट करके ओव्यूल तक अपना ओके गैमेट को पहुंचा दिया, वो विनर हो जाता है, करेक्ट है। सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन। प्लस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सीड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट है। पोलन ग्रेन को हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन्स को एक छोटे से वॉच ग्लास में या छोटे से बीकर में कलेक्ट कर लिया, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाला और पानी के अंदर आपने सॉल्ट और शुगर की सोल्यूशन डाली, सुक्रोस, करेक्ट, तो सॉल्ट शुगर और पानी को अब्सॉर्ब करेगा पोलन ग्रेन, और थोड़े टाइम के बाद पोलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन होगा, और आप बहुत सारे ट्यूब्स, हर एक पोलन ग्रेन के ट्यूब्स को आप अंडर माइक्रोस्कोप विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ साथ में आप कुछ केमिकल्स अगर ऐसे डाल दें, फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ी सी बोरिक एसिड डाल दी, तो पोलन का जो जर्मिनेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है, 15-20 मिनट के अंदर आप पोलन के जर्मिनेशन को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए ओके कंट्राइवेंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन एज वेल एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ओके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।